हिंदुस्तान को सलाम पेश करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किरण। पीछे वो देख रहे हो वनीलम वैली पीओके, और मेरे राइट साइड में जो देख रहे हो ये भी पीओके, रिवर के उस पर पीओके। और इधर आओ देखो, जैसे सुबह सुबह, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है अभी, और रिवर के पास ऐसे बैठे हुए लोग, ये इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के नहीं है। तो ये हमारे जाहिद भाई, और ये जो टी शर्ट है ये इनका है एक्चुअली। गलत बात है भाई। हाँ सर, ये जो है ये सामने पीओके है, यहाँ कोई टेंशन नहीं की बात नहीं है, क्या टेंशन रहे, ना उनकी फौज ना हमारी फौज, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ बैठ सकता है, बाय बाय कर सकता है, कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ कोई टेंशन होगी या कोई, मतलब ऐसा मामला है नहीं। हम बड़े खुश हैं आपकी माध्यम से, हम बहुत ही खुश हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ आकर इतने टाइम हमारे पास बैठे। हम रिक्वेस्ट करते हैं वो आएँ, यहाँ का लुत्फ़ लें और नज़ारा लें, यहाँ की क्या सीनरी है, क्या खूबसूरती है। ये सर जो पीओके की गाड़ी जा रही है वो सामने से है, अभी ये हमारा कैमरामैन दिखाएंगे, वो सामने से, तो दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं, ना उनको दिक्कत ना हमें कोई दिक्कत है। इसके साथ साथ और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ का जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब मैं गेट से एंट्री लिया, वहाँ पे कर्नल सर थे और मेजर सर थे, वो उन्होंने हमें बुलाया, बुला के बोला कि ये गांव को प्रमोट करना है, गांव को अच्छे से दिखाओ, वीडियो करो, कोई रोक टोक नहीं है और आप लोग शांति से घूम सकते हो, है ना। हाँ सर बिल्कुल, और हम आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस आर्मी ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ इजाज़त दी आने की, और उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प भी की, आर्मी ने बहुत सी हेल्प की, क्योंकि उन्होंने कहा आप करो अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना इधर से आएगी ना उधर से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने इनकी माध्यम से काम किया सर, आज तक हमने कोई दिक्कत नहीं, ना हमारे किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत आएगी। फ़िलहाल मैं हूँ किरण में, LOC का बगल में एक विलेज, और आज हम लोग जा रहे हैं कि LOC का बगल में जो स्कूल है वो कैसा दिखता है, वहाँ पर जा रहे हैं हम। हमारे साथ है यहाँ के टीचर सर, आपका नाम? अंजर अहमद भट्ट जी सर। हाँ, एक घंटे की असेंबली होती है, उसमें हमारे बच्चों की एक्सरसाइज भी रहती है। अच्छा, और थोड़ा वो सॉन्ग्स वगैरह भी एक्टिविटीज रहती हैं हमारी। सदके कोई दन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हे अर्जियां दीवाने की, जहां बोल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, सांसों के जलने की तुम ही वजह है। तो अभी बारिश आ गई है, इसका वजह से सब लोग अभी क्लास जा रहे हैं, नहीं तो ये एक डेढ़ घंटा का होता है असेंबली। तो एक लाइन पे सब लोग अपने अपने क्लास जा रहे हैं, कुछ लोग उधर, कुछ बच्चे इधर। तो सर थोड़ा बता दीजिए कि ये स्कूल कितने टीचर है ये स्कूल में? सर हमारे स्कूल में 5 टीचर हैं सर। अच्छा। मिडिल स्कूल है सर, 4 से 8 तक क्लासेस है। तो आप लोग कौन से क्लास में हो? फोर्थ है। फोर्थ जी सर। अच्छा, लद्दाख का लैंड ऑफ पासेस, पहले स्टेट थी, आज क्या है? यूटी है, ठीक है ना। बढ़ाओ के क्या बनना है तुमको? लद्दाख का लैंड ऑफ। बढ़ाओ के क्या बनना है? मास्टर सर। मास्टर बनना है? अच्छा सही है सही है। आपको क्या बनना है? टीचर सर। आपको भी टीचर? आपको डॉक्टर? डॉक्टर, अरे वाह। आपको डॉक्टर? अरे वाह। आपको क्या बनना है? मुझे भी डॉक्टर। आपको भी डॉक्टर? आपको क्या बनना है, बड़ा होके डॉक्टर? आपको भी डॉक्टर? ये हमें सबको डॉक्टर बनना है।
बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं और मेन चीज़ जो है यहाँ पे डिसिप्लिन काफ़ी मानते हैं। जो शू है वो इधर एक साइड में रख के फिर सब लोग शू खोल के उधर बैठते हैं जाके। सर आपका नाम? ज़िया अहमद खान। कितने साल से पढ़ रहे हो सर आप यहाँ पे? मैं मुझे तो 29 ईयर्स हो गए, यहाँ पर तो हो गए 3 साल तक। अच्छा, यहाँ पे 3 साल। जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हेलो बच्चों। हेलो। आपका नाम? आफिया। आफिया। आपका? एजम। आप कौन सा क्लास में हो? इसमें। इसमें आप कौन सा क्लास में हो? एलकेजी में। आपका नाम क्या है? हेप। आपका घर कहाँ पे? वहाँ पे। वहाँ पे? अच्छा। आप कौन सा क्लास में हो? एलकेजी। इसमें। इसमें? अच्छा, इसमें हो आप, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। नहीं, हम तो आप लोगों का, खासकर आप जो मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस एरिया में आए, इतना दूर दराज के एरिया के इसके वीडियो आप शूट कर रहे हो। हम थैंक्स आपका करना चाहेंगे कि हम लोगों को आप दुनिया तक पहुंचाएंगे या दिखाएंगे दुनिया को कि इतना कट है फिर ये जो नेटवर्क से दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसके थ्रू आप देखो ये कि लोग कैसे रह रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह के उस्ताद हैं, किस तरह का यहाँ का कल्चर है। ये हम थैंक्स अदा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल दुनिया से कट जुड़े हैं, नेटवर्क हमारे पास नहीं है, हम किसी से कम्युनिकेट नहीं हो सकते हैं, कम्युनिकेशन को कोई रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल काटा फेरिए में आप हम थैंक्स अदा करना चाहते हैं, आप जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने दूर दराज इलाके में, इतने कठिन एरिया में आप पहुंचे हैं, इनको यहाँ के इन बच्चों को, इस आखिरी इंडिया के आखिरी कोने के बच्चों को आप पूरी दुनिया को दिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि देखो हमारे बच्चे इस कोने में भी हिंदुस्तान को सलाम पेश करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं,
या उनको सुबह ही याद करके, अपने देश को याद करके अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप जैसे लोगों को हम सलाम पेश करते हैं, दुनिया तक पहुँचा गया हमें। मैं तो ये आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ किशोर कुमार का, क्योंकि आप इतनी मुश्किल रास्तों से आए, ताकि हिम्मत ना हारें, आगे भी जाकर आप इन चीज़ों को मतलब इंट्रोड्यूस करें स्कूलों को, बाकी सब चीज़ों। तो ये गाना किशोर कुमार जी का आपके नाम। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओके सर, सो हम लोगों ने मिलके एक्चुअली जितने सारे बच्चे सबके लिए चॉकलेट लाए हैं, तो अभी चॉकलेट सबको दे देते हैं। काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके, और आई होप बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया, डांस किया, डांस किया। हाँ तो सर ने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाया है, दिल की गहरी से प्यार से इनको पिला रहे हैं, और इनके आने की खुशी हमें खुशी है कि हमें ये हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल को, ये हमारे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो ये हमें सबसे बड़ी खुशी है, इन लोगों के तह दिल से खुश थे, और ये भी हम प्यार से इनको पिला रहे हैं, और हमारे पास यही अवेलेबल है, और कुछ होता है उससे भी ज़्यादा हमें प्यार। नहीं सर, ये काफ़ी, ये भी ज़रूरत नहीं था एक्चुअली। कितना क्यूट है। तुम्हारे लिए चॉकलेट, तुम्हारे लिए। तुमने डांस किया था? हाँ, इन्होंने डांस किया था, और काफी अच्छा डांस किया। देखो इनके पास है, इनके पास है, इनके हाथ में, इनके हाथ में है। झूठ बोल रहे हैं ना, इनके पास है ना? हाँ, किसने देखा मेरे पास है? मैंने। कहाँ है? नाचो बच्चों की डिमांड है, नाचो। और नाचते हैं अमित भैया, सही एंटरटेनमेंट के। मेरा डांस कौन कौन देखना चाहता है? सब लोगों ने हाथ खड़े कर लिया। ये लोग पूरे एकदम चुप थे जब हम लोग आए थे, लेकिन अभी थोड़ा हंस रहे हैं। अभी हंसा दिया ना? हाँ हंसा दिया। मंडे को, मंडे को आना है। ओके ओके, यस यस। ऐसा लगता है आप जैसा कहीं देखा है। यस नहीं, नया तो नहीं पढ़ा वाली जगह। हाँ क्या क्या? मंडे को आओ, ठीक है, फिर से नाचेंगे। हाँ हम आपके साथ नाचेंगे। आप तो नहीं नाच रहे हो मेरे साथ। टाटा। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हमने काफी एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ के जो सर है, सर ने हमारा काफी हेल्प किया, काफी कोऑपरेट किया, और जो एक चीज अच्छा लगा हमको वो ये है कि जैसे पढ़ाई तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कल्चरल साइड है, गाना डांस, वो भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि अब भी सिखाए, वो हर रोज एक होता होगा, क्लास होता है, अलग से एक क्लास होता होगा उनका, तो इसीलिए इतना अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं। गाना हो या डांस हो या प्रेयर्स हो, वो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए, और हम लोग को भी इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तरफ से प्यार मेरा और दिल दिल से मिले, तब इतनी बात हुई, इतने प्यार हुए आपके सामने नाचने के लिए, गाने के लिए, और कितनी खुशी महसूस की आपके आने से। तो हम भी खुश हुए, बच्चे भी खुश हुए, तो शुक्रिया। हाँ सर, मैं तो ये कहता हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफ़ी सुविधाएं मिल रही है बच्चों को, जिसमें फ्री मतलब यूनिफॉर्म है, फ्री टेक्स्ट बुक है ना, और स्कॉलरशिप आ रहे हैं, जैसे पहाड़ी स्पीकिंग है, बहुत सारे स्कॉलरशिप बच्चों के अकाउंट्स में आ रहे हैं। तो फंड्स आ रहे हैं जिसमें हम इनके लिए मैटिंग, बाकी स्पोर्ट्स का सामान, जो भी चीज़ें हम इनके लिए ले सकते हैं। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ काफ़ी हमें सहूलत है, खासकर बच्चों के लिए। सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों के साथ मिलके, आपका स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ टाटा, बाय बाय बाय, टाटा टाटा, बाय बाय।